सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेजी के साथ एक नज़र। सालाना सूरज ग्रहण का एक कामयाब नज़ारा, जिसे रिंग ऑफ फायर या आग का दायरा कहा जा सकता है, आज इतवार को नजर आएगा। इस साल का पहला सूरज ग्रहण का तवील नज़ारा होगा और ये शुमाली निस्फ कुर्रा का सबसे तवील दिन रहेगा। अनूपगढ़, सूरतगढ़, सरसा, जकाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, देहरादून, तापोन और जोशीमठ के इलाकों में रहने वाले लोग इस सालाना सूरज ग्रहण का नज़ारा कर पाएंगे, जबकि हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में रहने वाले लोग जुज़वी ग्रहण का ही नज़ारा कर सकें। कुलजुमत इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर की जानिब से दिए गए बयान पर वजाहत पेश करने के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस रहनुमा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी को राजधर्म पर अमल करना चाहिए था और पीएमओ की जानिब से वजाहत जारी की गई है, वो हकीकत को छुपाने की एक नाकाम कोशिश है। लॉकडाउन के बाइस गुज़िश्ता 5 माह से बीवी और बच्चे से दूर रहने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक बहुत जल्द अपने घर वालों के साथ चंद दिन हिंदुस्तान में गुजारेंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुएब मलिक को अपनी अहलिया सानिया मिर्जा और बेटे से मिलने की खुसूसी इजाज़त दे दी है। वो तकरीबन 1 माह हिंदुस्तान में अपनी अहलिया और बच्चे के साथ गुजारे। तमिलनाडु के वज़ीरे आला ईके पलानी स्वामी ने अपने एक बयान में कहा कि चेन्नई और 3 अजला में 12 दिनों का मुकम्मल लॉकडाउन लोगों को तकलीफ पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। हम नहीं जानते कि रियासत में इस वबा का खात्मा कब होगा। पलानी स्वामी ने आज शहर के कॉलेज में 350 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर में तमाम तर सहूलतों का मुआयना करने के बाद सहाफियों से कहा कि हम वायरस के फैलाव को रोकने और लोगों को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्लेनमार्क ने कहा है कि इसने फैबिफ्लो नामी एंटीवायरल दवाई मुतारिफ की है, जिससे कोरोना वायरस के कम अलामत रखने वाले मरीजों का इलाज किया जा सकता है। कंपनी ने 103 रुपए फी गोली की कीमत मुकरर की है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने बताया है कि ये 200 mg की गोली 34 गोलियों के स्ट्रिप पर मुश्तमिल रहेगी। एक स्ट्रिप 3,500 रुपए में दस्तियाब हो जाएगी। कंपनी का कहना है कि कोविड 19 के इलाज के लिए हिंदुस्तान में फैबिफ्लो मंजूर शुदा पहली दवा है। हॉस्पिटल या डॉक्टरों की सिफारिश पर ही इस गोली को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव के कोरोना से मुतासर होने की इत्तलात है। जरा के मुताबिक कल इन्हें खराबी सेहत के बिना पर अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इनका कोरोना टेस्ट करवाया गया है। इत्तलात है कि इनके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं। वो इसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। चंद दिन कबल कांग्रेस लीडर जी नारायण रेड्डी TRS के 3 अरकान असेंबली के अलावा BJP के सबक रुकन असेंबली सी रामचंद्र रेड्डी भी कोरोना से मुतासर पाए गए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव और उनके अरकान खानदान के अलावा पुलिस के आला अहदेदारों के खिलाफ काबिल एतराज रिमार्क्स करने पर 3 मार मिलना के खिलाफ हैदराबाद के जुबली हिल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। यूसुफ गुड़ा से ताल्लुक रखने वाले नईम नामी शख्स की शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। सऊदी अरब की सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने वजारत दाखिला के जराये के हवाले से खबर दी कि पूरे सऊदी अरब में आज इतवार की सुबह 6 बजे से कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। ताहम जायरीन की आमद, बैन अक्वामी सफर और 50 से ज्यादा अफराद के इज्तम पर पाबंदियां बदस्तूर लागू रहेंगी और आवाम को भी हिदायत दी गई है कि वो एहतियाती इकदाम जरूर अपनाएं। हिनचीन सरहद पर जो भी हुआ, इसका मुकम्मल जिम्मेदार सिर्फ चीन है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका की जानिब से बयान में कहा गया है कि चीन तमाम ममालिक की तवज्जो कोरोना वायरस तनाज़े से हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। मुल्क में कोविड 19 के इलाज के लिए हिंदुस्तान के मशहूर हेट्रो ड्रग्स ने कोरोना वायरस के इंजेक्शन को मुतारिफ किया है। ये इंजेक्शन 100 mg का है। कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर बी पार्था सारथी रेड्डी का दावा है कि ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया इजाजत और मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद कोविफार इंजेक्शन को कंपनी ने आज मार्केट में लॉन्च किया है। हेट्रोड्रग्स जेनरिक दवा तैयार करने वाली मशहूर कंपनी है, जिसको इसमें 25 साल का तजुर्बा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 15,413 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और अब तक इस वबा के मुतासरीन की मजमू तादाद 410,461 तक जा पहुँची है।
इस अरसे में 306 अफराद की हलाकत के साथ ही मरने वालों की तादाद बढ़कर 13,254 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 179,451 फाल केसेस हैं और अब तक 237,400 से ज्यादा अफराद इस वबा से शफायाब भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस से मुतासर होने के मामले में हिंदुस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद में हर रोज रिकॉर्ड इजाफा दर्ज किया जा रहा है और तेलंगाना में पहली मरतबा एक दिन में आज 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह ग्रेटर हैदराबाद की सूरत हाल भी मुसलसल अबतर होती जा रही है और यहाँ भी योमिया सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। आज एक दिन में तेलंगाना भर में कोरोना के 546 केसेस रिपोर्ट हुए जबकि सिर्फ ग्रेटर हैदराबाद में 458 केसेस रिपोर्ट किए गए। इस तरह रियासत भर में अब तक मुतासर होने वालों की तादाद बढ़कर 7,702 तक जा पहुंची है। तो ये थे हमारे खबरें रफ्तार से, इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।